पीथमपुर में गुंडों और माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर नगरपालिका और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कल्लू उर्फ वाहिद के दो मकानों को जमींदोज किया गया। एहतियात के तौर पर मौके पर भारी पुलिस बल भी लगाया गया। कल्लू के परिजनों ने इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। पीथमपुर के सेक्टर 3 में पुलिस प्रशासन और नगरपालिका ने कार्रवाई की। पीथमपुर के नामचीन बदमाश के दो निजी मकान तोड़े गए। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, जो आज कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, इस तरह की कार्रवाई है और कितने इसका औकात है, प्रकरण दर्ज है, तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? ये कल्लू डकैती, चोरी, लूट करके संपत्ति अर्जित किया है। इसके 14 अपराध थाना तिरला, बेटमा, पीथमपुर, सेक्टर 1, सागौर में पंजीबद्ध है। इसका जिला वजन भी किया गया था और अभी जैसे SDM साहब ने बताया कि शासन के निर्देश के मुताबिक कि गुंडों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। जो उसने संपत्ति अर्जित करके मकान बनाया था उसके दो मकान तोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा भी और कोई कार्रवाई होगी आज से? और चिन्हित कर रहे हैं और गुंड और माफियाओं को चिन्हित कर रहे हैं। बहुत माफिया पीथमपुर में ऐसे हैं जो कभी पंचर की दुकान बनाते थे और आज जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हो गए हैं, उनको भी चिन्हित कर रहे हैं। सर, ये जैसे कि स्क्रैप माफिया भी काफ़ी किसी ज़माने में ठेला चलाते थे, आज के समय कुंडली खगाली जा रही है। आपका नाम और पद बता दीजिए। अरुणेन सिंह बघेल, CSP। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।